इधर देखो, इधर देखो, आगे की तरफ। ठीक हो? साइड साइड पे। चेक कर रहा हूँ किसके त्रा घोड़ा सारा सामान। अस्सलाम वालेकुम मैम। बाबा आज मित्र चेयर सर मुजफ्फर साहब आप भी आइए आगे। आपके हाथ हमारे हाथ है। मगर These kids have also Thank you.
King Conventions. चलो ठीक है अनिश शौकत यस आफी हम तो शीरी से आ गए मोस्ट इन इंडिया अच्छा ये आप मेरे ऐसे ऐसे करो ये एसजी एफआई की लिस्ट देखो इसी मूवमेंट से एडिशन ऑफ इंडिया तौकीर फयाज आप फोटो कर मोहम्मद साद भट्ट हम very consistent, very dedicated. Please accept it. Thank you so much. ये जो कम्युनिटी हॉल है कम्युनिटी हॉल वो होता है जहाँ पे कम्युनिटी को कोई फ़ायदा मिले और यहाँ पे काफ़ी टाइम से ये डिफंक्ट पड़ा था यहाँ पे शिकायतें थी यहाँ पे शाम को कुछ लोग इसमें ड्रग्स करते हैं बहुत सारी शिकायतें आई तो हमारे यहाँ ओल्ड टाउन में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे हमारे ओल्ड टाउन के बच्चे खेल सकें इस तरह का जो इंडोर स्पोर्ट्स होता है तो हमारा एक बच्चा है मुशरफ कयूम करके जिसने नेशनल इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करके गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि खुद भी एक छोटा बच्चा है कॉलेज में पढ़ता है और इसके साथ साथ ही अपने बच्चों को सिखाना चाहता है जो हमारे छोटे बच्चे हैं हमारी छोटी बहनें इनको सिखाना चाहता है मुझे लगता है कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है हमें चाहिए कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भी प्रमोट करना जिस तरह से हमें हमारा जो कोई एसेट हैं अगर वो किसी को यूज़ करने के लिए हम दें हालांकि मैंने इनको बोला इट्स अ टेम्प्रेरी स्पोर्ट्स क्लब जब तक कि हम कुछ देखें आपके लिए और मैं चाहता हूं कि अगर हम लोग अपने बच्चों को कोई जगह प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं चाहे खेल कूद के लिए फिर हमारा क्या रोल है उस हिसाब से एज अ सिटीज़न नहीं कि एज अ प्रेजिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला ना कि एज अ पॉलिटिशियन बट एज अ कॉमन सिटीज़न ऑफ बारामूला अगर कुछ बच्चे आते हैं मुझे इतने बच्चे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कहते थैंक यू सो मच आपने ये किया आपने वो किया तो मुझे अच्छा लगता है अगर छोटा सा बच्चा सीखता है कहीं पे और मुझे नहीं लगता इससे कुछ लोगों को प्रॉब्लम होनी चाहिए हालांकि ऑलरेडी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो मेरी एक ये प्रॉब्लम है कि अगर कुछ अच्छी चीज़ से लोगों को प्रॉब्लम होती है तो फिर इनको अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि वो क्या करते हैं वो किस लिए निकले हैं तो मेरी कोशिश है जब तक मैं हूँ बारामूला चाहे म्यूनसिपल प्रेजिडेंट हूँ रहूँगा नहीं रहूँगा लेकिन एज ए कॉमन ह्यूमन बीइंग और मैंने जो मेरी एनजीओ चलती थी पहले ग्लोबल यूथ फाउंडेशन तब से हमने कोशिश की है कि हम जो अपने नौजवान बच्चे उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ पे वो अपना टैलेंट शोकेस कर सके चाहे म्यूज़िक हो चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे आर्ट एंड कल्चर हो तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए हम इन बच्चों का हौसला अफजाई करें हमारा मकसद होना चाहिए इन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें ना कि इन बच्चों को हम अगर कहीं पर स्पेस दे रहे हैं उनको शिकायतें करें हाँ जी इसने जी स्ट्रक्चर ही किसी को दे दिया आप देखिए 5 साल 2 साल पहले 1 साल पहले किसी को पता भी नहीं था यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर है म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला का तो मेरी कोशिश ये है कि जब तक मैं म्यूनसिपल काउंसिल में रहूँगा या मैं रहा हूँ मेरी कोशिश थी एक म्यूनसिपैलिटी के काम को विजिबल करने की और लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस बढ़ी है म्यूनसिपैलिटी के लिए तो आने वाले लोगों को भी ये समझना चाहिए कि एक्सपेक्टेशंस बहुत है और हमें लोगों के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है जहाँ तक कि मेरा सवाल है जो भी मुझसे हो सकता है आई विल ट्राई माई बेस्ट चाहे किसी भी फ्रंट पे
इन बच्चों को प्रमोट करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा इनका टैलेंट शोकेस करा सकूं। तो सब आपने कहा कि प्रॉब्लम आ रही है तो नहीं, बेसिकली कहीं किसी यहां से मुझे मेरी कोई अपोजिशन ने शिकायत की है, ये हॉल सपोर्ट्स कहीं को दे रहा है, किसी को दे रहा है, ये दे विल पे एज पर जो भी हम इनसे पैसा लेंगे मंथली या कुछ। तो मैं कोशिश मेरी ये है, देखिए हम नौजवान हैं, मैं खुद एक नौजवान और मैं कभी नहीं चाहूँगा मेरा नौजवान किसी गलत रास्ते पे जाए। मैं अगर मेरी कैपेसिटी में मैं उसको कहीं पे उसको हाथ पकड़ के उसको कहीं ले जाता हूँ, सिखाता हूँ, तो मेरे लिए वो फ़ख्र की बात है। मुझे ना मैं से किसी से डरता हूँ, ना मुझे किसी से कोई परवाह है, चाहे कोई कुछ भी करे करने दे। यहाँ पे आपने लड़कियों को देखा मार्शल आर्ट में जो डेमो दे रहे थे, उनकी पेरेंट्स उनके साथ हैं, तो ये चेंज है, ये विजिबल है ये चेंज। ऐसी कुछ फैमिलीज़ है जहाँ पे नहीं अलाउ करते, बट बारामूला में हमने ये देखा है अपने पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आते हैं। आपने देखा कितने पेरेंट्स वहाँ पे थे अपनी बच्चियों के साथ हैं। अगर कोई बच्ची चाहती है वो स्पोर्ट्स में आगे जाए, मार्शल आर्ट में जाए, कराटे में जाए या बाकी जो स्पोर्ट्स होता है, तो मुझे लगता है कि फैमिलीज़ का बड़ा सपोर्ट है। ऐसा नहीं है कोई भी माँ या कोई भी बाप नहीं चाहेगा उसका बच्चा किसी ऐसी चीज़ में जाए जहाँ पे उसको पछताना पड़े। तो अगर अपना बच्चा आपको स्पोर्ट्स में, म्यूज़िक में, आर्ट्स में, किसी में भी जाना चाहता है, उसका रुझान होगा किसी चीज़ में, और फैमिली को भी चाहिए सपोर्ट करना, और हम जैसे लोग जो निकले हैं लोगों के लिए, और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है उनके लिए कोई स्पेस प्रोवाइड कर सकें।